हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमीन शेख और आपको आज मिलियन मनी ये जो नया प्रोग्राम है उसके बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा और मैं चाहूंगा कि आप आखिर तक बने रहें ताकि आपको मैं समझ में आए कि ये प्लान चलता कैसा है। और अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में और मेरा डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स, अगर आप डिटेल से वहाँ पर लिंक होगा मेरा, उसमें उससे रजिस्टर करके मेरे साथ जुड़ जाने, मैं चाहूँगा कि आप जुड़ जाएँ इससे। तो शुरुआत करता हूँ मैं मिलियनम मनी की। अगर मिलियनम मनी ये क्या है मिलियनम मनी? मिलियनम मनी एक प्रोग्राम है जो एक इथेरियम ब्लॉकचेन बेस्ड नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, जो डिसेंट्रलाइज्ड है और इसको कोई ना हैक कर सकता है, ना इसको डिलीट कर सकता है, ना इसको चेंज कर सकता है। और ये जब अगर इसकी डोमेन जो है वो भी अगर किसी ने बंद कर दी तो भी ये जब तक ब्लॉकचेन एग्जिस्ट करेगा, जब तक ब्लॉकचेन रहेगा तब तक ये प्रोग्राम ओपन सोर्स में मिलता रहेगा। और यहाँ पर इसकी खास बात, और एक खास बात है कि यहाँ पर ये फंड कंपनी को नहीं जाता। ये जो भी ट्रांसफ़र होता है या जो भी फंड अमाउंट से आप ऐड शुरुआत करते हैं ये सीधा जाता है पीयर टू पीयर, मतलब पार्टिसिपेंट से पार्टिसिपेंट, वॉलेट से वॉलेट को जाता है, ना ही ये कंपनी को जाता है। ये मिडल मैन है नहीं इसमें, बीच में कुछ इसके बीच में ये वॉलेट के वॉलेट से वॉलेट जब आप पे करते हैं ये किसी ना किसी पार्टिसिपेंट को जाता है, ये ना कंपनी को जाता है। इसके लिए पेमेंट 100% है और ये पार्टी तो पार्टी है, पार्टिसिपेंट तो पार्टिसिपेंट है। अगली खास बात है, ये बहुत ही सिंपल है, ये बहुत फास्ट है, ये बहुत ईजी है। ये मार्केटिंग प्लान, मैं कोशिश करूँगा कि मार्केटिंग प्लान आपको समझाऊँ मैं बहुत इजी तरीके से, आसान तरीके से, ताकि आप समझ जाएँ इसको और इसमें काम शुरू हो जाए। ये 100 दिन का प्लान है, 100 दिन में आपको एक्सपायर हो जाता है, इसको आप वापस रिन्यू कर सकते हैं और जब रिन्यू करते हैं तो आपको दोबारा से आपको अर्निंग शुरू होती है, मतलब 100 दिन में आपको वापस आपकी अर्निंग शुरू हो जाती है राइट फ्रॉम स्टार्ट। तो ज़रूरी है ये है कि आप शुरुआत करें इसको कम से कम 5 लेवल से। और ये सबसे अच्छी बात और इसमें ये है कि ये शुरू होती है बहुत ही कम प्राइस से, 0.03 इथेरियम। तो आपको एक चीज़ और एक बताऊं मैं कि जो भी मैं बात करूंगा फिगर से, ये बिटकॉइन में नहीं है, ये है इथेरियम में। और ये इथेरियम शुरुआत होती है 0.0 इथेरियम में। सो इसमें अगर शुरुआत करनी है आपको, ये कम से कम अमाउंट 0.0 इथेरियम में आप शुरुआत कर सकते हैं। अभी शुरुआत करने के, जब मैं शुरुआत में बात करूँगा, मैं बात करूँगा इसके प्लान के बारे में, ये प्लान क्या है, फिर मैं बात करूंगा ये प्लान कैसा चलता है, इसमें कैसे फ़ायदे कितने हैं, कैसे इसको प्लान को शुरुआत करें या कैसा इसको रजिस्टर करें। तो शुरुआत करते हैं प्लान की। प्लान में तकरीबन 10 लेवल से आप शुरुआत कर सकते हैं। आप चाहे तो फर्स्ट लेवल शुरू कर सकते हैं 0.03 इथेरियम से, फिर आप बात कर सकते हैं 0.05 इथेरियम से कर सकते हैं। आप सेकेंड लेवल का आपको कमीशन शुरू करना है तो, आपको तीसरे लेवल का शुरू करना है तो 0.1 इथेरियम से शुरू कर सकते हैं। आपको चौथे लेवल का शुरू करना है, आप 0.04 इथेरियम शुरू कर सकते हैं। और अगर आपको 5 लेवल का कमीशन आना है तो आपको 1 इथेरियम से आप शुरू कर सकते हैं। फिर अगर आपको 6 लेवल का कमीशन आना है, आपको 2.5 इथेरियम से शुरू कर सकते हैं। अगर 7 लेवल करना है 5 इथेरियम, 8 लेवल का 10 इथेरियम, 9th लेवल तक का कमीशन आना शुरू करना है आपको 20 इथेरियम, और 10th लेवल का शुरू करना है आपको 40 इथेरियम। लेकिन मैं इस प्रेजेंटेशन में जो आपसे बात करूंगा, मैं ये सोच के बात करूंगा जो भी ज्वाइन करता है वो कम से कम 5 लेवल तक आपको अपग्रेड करता है। तो 5 लेवल अपग्रेड करने के लिए तकरीबन आपको 1.6 इथेरियम की ज़रूरत पड़ेगी। तकरीबन 1.58 है, लेकिन मैं बोलूंगा 1.68, चार्जेस मिला के 1.6 इथेरियम आप करें और अपने आप को 5 लेवल के कमीशन के फायदे मिले आपको। क्योंकि अगर आप 5 लेवल में कमीशन आपको अगर नहीं पहुंचेंगे तो आपको यहाँ पर लॉस हो सकता है। लॉस क्या होगा मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं कि अब मैं बताऊंगा जो भी मैं बात करूंगा इथेरियम में बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ मैं ये बात कर रहा हूँ कि हर एक बंदा जो जुड़ता है वो 5 लेवल तक जुड़ता है। तो शुरुआत करते हैं। अभी जब ये आप हैं, आप अगर अपने आप को शुरू करते हैं पहले लेवल पर, तो पहले लेवल पे आप शुरू करते हैं, आपने सिर्फ 0.03 इथेरियम आपने बाय किया, ये 0.03 इथेरियम डायरेक्ट चला जाता है आपके अपलाइन को, आपने जिसने आपको रिफ़र किया है प्रोग्राम में, डायरेक्ट उसको 0.03 आज चला जाता है। फिर आपने क्या किया, आप चाहते हैं कि और एक लेवल आपका बढ़े तो आपने क्या करते हैं, आप 0.05 लगाते हैं तो वो जाता है उसके अपलाइन को। तो ये डायरेक्ट पे होता है 0.05 उसके अपलाइन को। अगला जाता है जीरो, आपने किया थर्ड लेवल में शुरू किया,
तो 0.01 है तो वो जाता है सीधा आपके उसके अपलाइन को। और अगर आप नेक्स्ट लेवल पे 0.04 वो अपना फोर्थ लेवल आपको खुलना है जहां पर आपको फोर्थ लेवल से भी कमीशन आना शुरू होना है तो आपको वो कमीशन जाता है सीधा उसके अपलाइन को। तो अपलाइन के अपलाइन का तो हो गया ये चौथा अपलाइन। तो उसके अलावा आपको फाइव लेवल, जैसे मैंने बताया फाइव लेवल इज द बेस्ट लेवल जो शुरुआत करने के लिए, तो फाइव लेवल का आप जगह करते हैं तो वो जाता है सबसे बड़े ऊपर के अपलाइन को, दैट्स अपलाइन नंबर थ्री। तो ये हो गया पांच लेवल का। ये पांच लेवल का हर एक बंदा मैं चाहता हूं कि इसमें अपलाइन में इसमें रजिस्टर करते वक्त कम से कम पांच लेवल शुरू करें ताकि उसके फायदे पांच लेवल तक है। इसके अलावा अगर किसी का पैसे हैं तो उसको आगे चले कर सकते हैं या अभी कर सकते हैं। तो 2.5 लेवल जो छठा लेवल है वो भी जाता है आपके फर्स्ट लेवल, तो सातवां लेवल है वो जाता है आपके सेकेंड लेवल अपलाइन को। 10 अगर आपका आठवां अपलाइन खोलना है आपको आप पर है तो आप उसको जाता है अपलाइन नंबर थ्री को। और अगर आपको 20 इथेरियम दे के आपको खोलना है आपका नवा लेवल तो आ जाता है अपलाइन नंबर फोर को। और अगर आपको 40 इथेरियम दे के आपको दसवां लेवल खोलना है वो जाता है आपके अपलाइन नंबर फाइव को। तो ये होता है आपका जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपके जो कमीशन जाता किसको, जैसे मैंने बताया ये पेयर टू पेयर है, मतलब पार्टिसिपेंट टू पार्टिसिपेंट है, ये कंपनी को नहीं जाता, ये डायरेक्ट आपके अकाउंट में चला जाता है, आपके आपका अपलाइन के अकाउंट चला जाता है, फुल अमाउंट चला जाता है आपके अपलाइन में। तो ये है स्ट्रक्चर अगर आप शुरू करते हैं। तो अगर कल जाके आप अपना बिजनेस शुरू करते हैं, आप रिफर करना शुरू कर दे तो क्या होता है, ये आप है तो ये आपके अपलाइंस है। ये आप फर्स्ट लेवल पे ये बात करते हैं, फर्स्ट लेवल में कमीशन कैसे बढ़ता है, तो फर्स्ट लेवल में दो लोग हैं जिसको आप रिफर करते हैं। तो पहला जो रिफर करता है, जो शुरू करता है 0.03, जैसे आपने भी शुरू किया 0.03 से, वो भी 0.03 से शुरू करता है, तो ये भी 0.03 डायरेक्ट आपको आ जाता है। और फिर वो 0.05 से शुरू करता है वो जाता है आपके अपलाइन को, 0.1 शुरू करता है वो उसके अपलाइन को जाता है, 0.4 करता है तो उसके अपलाइन को जाता है, 0.1 इथेरियम शुरू करता है वो उसके ऊपर के अपलाइन को जाता है। फिर आपको वही होता है आपके दूसरे साइड वाला, उसने 0.03 से अपलाइन शुरू करता है वो आ जाता है आपको, 0.05 से शुरू करता है वो जाता है उसके नेक्स्ट अपलाइन को, उसके 0.1 करता है उसके जाता है आपके उसके अपलाइन को, 0.4 करता है उसके जाता है उसके अपलाइन को, और 1 इथेरियम करता है वो जाता है आपके टॉप लेवल अपलाइन को। सो इस तरह से आपका डिवीजन होता है। आप जब काम करना शुरू करते हैं आपका फर्स्ट लेवल आपको 100% आ जाता है, और फिर आप वो जितना भी आगे काम करता है वो आपके जैसा लेवल ऊपर है उनको जाता रहता है। ये हो गया ये आपका फर्स्ट लेवल। अब तो आप बात करेंगे आपका सेवन लेवल काम करना शुरू कर देते हैं, फर्स्ट लेवल वाले रिफर करना शुरू कर देते हैं, तो होता ये है ये 0.03 जो आपका सेकंड लेवल के लोग ने स्टार्ट किया है वो जाता है सीधा आपके फर्स्ट लेवल को, दोनों तरफ जाएगा आपके फर्स्ट लेवल को। अभी वो जब आपका सेकंड लेवल ने आपका 0.5 शुरू किया, आप टॉप अप किया तो जाता है आपको 4 × 0.5 जाएंगे आपको, जो चारों जो लोग जुड़े हुए हैं पूरे 0.5 जाएंगे आपको, और फिर 0.1 आएगा अपने अपलाइन को, 0.4 जाएगा उसके अपलाइन को, और 0.1 जाएगा और 1 इथेरियम जाएगा उसके अपलाइन को। सो इस तरह से ये डिवाइड होता है, ये जाता है तकरीबन पांच लेवल तक आप जो लेवल आप हैं, तो ये इसी तरह से ये डिवाइड होता है। जैसे कि थर्ड लेवल को आपको आएंगे, आप जैसे कि ऊपर है आपको आएंगे 8 × 0.1, मतलब तकरीबन 0.8 इथेरियम आएंगे आपको। फिर आपके फोर्थ लेवल से जो वो काम करते हैं फोर्थ लेवल से आपको आएंगे 16 × 0.4, तो तकरीबन 6.4 इथेरियम आएंगे जब आपके फोर्थ लेवल काम करना शुरू कर देंगे, और फोर्थ लेवल ने अपने आप को अपग्रेड कर दिया है 0.4 पे। सिर्फ फिफ्थ लेवल है, तो फिफ्थ लेवल जब शुरू होगा, फिफ्थ लेवल जो भी बंदा एक इथेरियम टॉप अप करता है वो पूरे एक इथेरियम आपको आना शुरू हो जाएंगे। फिफ्थ लेवल से जो भी एक इथेरियम है वो आपको आना शुरू हो जाएंगे। तो आपके 32 लोग अगर एक इथेरियम से आप टॉप अप करते हैं तो पूरे 32 इथेरियम आपको आना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक खास बात है इस प्रोग्राम की कि ये लेवल से आपको अर्निंग्स होना शुरू हो जाते हैं ना। अभी इसमें बहुत एक डेंजर चीज़ भी है, जिसे मैंने पहले शुरुआत में आपको बताया था कि इसमें लूज का डेंजर है, आप लूज कर सकते हैं। लूज कब करते हैं, फर्ज करें आपने पांच लेवल शुरू करने की जगह पे आपने सिर्फ एक ही लेवल शुरू किया, आपने एक ही लेवल शुरू किया 0.03 से शुरू किया, बोले मैं 0.03 शुरू करूंगा। अभी होगा ये कि आपके फर्स्ट लेवल के लोग जब टॉप अप करेंगे तो आपको इसका पूरा फायदा मिलेगा, पूरा 0.03 आपको आ जाएगा दोनों तरफ से,
लेफ्ट वाले से भी राइट वे से भी आपको 0.03 आ जाएगा। लेकिन जब आपके फर्स्ट लेवल अपने सेकंड लेवल शुरू करते हैं और सेकंड लेवल अपना 0.5 शुरू करता है, तो वो ये एक्चुअली आना चाहिए आपको, ये आना चाहिए आपको, लेकिन क्योंकि आपने 0.05 से अपने आप को टॉप अप नहीं किया, मतलब सेकंड लेवल का आपने अपने आप को टॉप अप नहीं किया, तो ये कमीशन आपको आता नहीं है। ये सेकंड लेवल कमीशन जाता है सीधा आपके सेकंड लेवल अपलाइन को, समझे आप? तो आप जो लूज करते हैं वो जाता है सीधा आपको सेकंड लेवल अपलाइन को। यही होता है आपके थर्ड लेवल, क्योंकि आपकी टीम जब शुरू होती है बढ़ना तो कम होती नहीं है। जो थर्ड लेवल पे 0.1 है, अगर आप 0.1 से आपने थर्ड लेवल अपना चालू किया था तो ये कमीशन जाता था आपको, लेकिन हुआ ये कि आपने टॉप अप किया नहीं तो आपने सिर्फ 0.03 है, तो आपको ये कमीशन नहीं आएगा, ये कमीशन सीधा जाएगा आपके थर्ड लेवल अपलाइन को। तो ये जो 0.1 और 0.05 कमीशन है ये चला जाता है ऊपर की तरफ, आप उसको लूज करते हैं। एक बार आपने लूज कर दिया तो हमेशा के लूज कर दिया, दोबारा आपको मिलेगा नहीं। अभी अगली बात, ये तो हो गया प्लान, अभी आप बात करेंगे हम लोग कि इसको स्टार्ट कैसे करें, ये स्टार्टअप कैसे करें, इसको स्टार्ट कैसे होगा, ये मैं इसमें समझाऊंगा आपको ये स्टार्ट कैसा करते हैं, ये प्लान शुरुआत कैसे होती है। ये शुरुआत करने के लिए बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। पहला स्टेप है कि आप अपना अपने मोबाइल से या लैपटॉप से ये दो चीज़ डाउनलोड करें। अगर आप लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, जिसको मैं बहुत ज़ोर से बोलूँगा कि आप लैपटॉप यूज़ करें और वहाँ पर क्रोम एक्सटेंशन है मेटामास्क के हिसाब से, मेटामास्क को डाउनलोड करें और इसको, फर्स्ट स्टेप यही है कि आप मेटामास्क डाउनलोड करें। और अगर आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो ट्रस्टवॉलेट है उसको डाउनलोड करें मोबाइल पर। ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी पड़ेंगी आपको इसमें यूज़ करने के लिए। और सेकंड स्टेप ये है कि आप ऐड फंड करें। ऐड फंड करने के लिए आपको लेवल के हिसाब से, आपको जिस लेवल पे आप हैं उस लेवल के हिसाब से आपको टॉप अप करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बताऊँ आपको कि आपको सिर्फ चाहते हैं आपके फर्स्ट लेवल ही आपका टॉप अप हो, मतलब आप चाहते हैं कि सिर्फ फर्स्ट लेवल से काम करें और फर्स्ट लेवल कमीशन आपको आए, तो आप 0.03 इथेरियम डाल सकते हैं, 0.03 इथेरियम आप डाल सकते हैं और अपना फर्स्ट लेवल एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, फर्स्ट लेवल में आपको सेकंड लेवल का भी कमीशन आए, तो आप करना ये होगा आपको 0.08 इथेरियम, ये जो होता है फर्स्ट लेवल के 0.03 और 0.05 कुल मिला के 0.08 इथेरियम आपके वॉलेट में आपने डलवाना चाहिए। उसके अलावा थर्ड लेवल है, थर्ड लेवल 0.18 इथेरियम है, 0.1 इथेरियम डालना पड़ेगा क्योंकि ये आपके तीन लेवल खुलते हैं, तो 0.1 इथेरियम डालना पड़ेगा बैलेंस में। अगर आपको फोर्थ लेवल तक काम करवाना है, मतलब खोलना है, तो आपको 0.58 इथेरियम डालना पड़ेगा ताकि आपके चार लेवल खुल जाए। और अगर आपको फिफ्थ लेवल तक खोलना है तो आपको टू कुल मिला के 1.58 इथेरियम डालना पड़ेगा आपके वॉलेट में ताकि आप अपना काम शुरू कर सके। तो फिफ्थ लेवल की मैं अगर बात करूंगा तो मैं सोच बोलूंगा आपको 1.58 की जगह पे 1.6 डालें ताकि उसमें कुछ चार्जेस भी लगते हैं, तो 1.6 इथेरियम आप डालें। हर एक बंदा जो ज्वाइन करता है, मैं चाहता हूं कि आप 5 लेवल तक अपने आप को एक्टिवेट करें ताकि आपका बिजनेस बढ़े, आपको कोई अमाउंट मिस ना हो इसमें। तो आपको करना ही हाईली रिकमेंडेड है, मैं बहुत जोर से बोलता हूं कि इसको सब बंदा जो जुड़ता है कम से कम 5 लेवल करें। वेट ना करें कि आपका टीम बढ़े तो ही आपको टॉप अप करना है। 1.5 लेवल तकरीबन $300 बनते हैं, तकरीबन $300 बनते हैं, वो बड़ी बात नहीं, ताकि लेकिन आप अगर लूज करेंगे तो बहुत बड़ा अमाउंट लूज करेंगे। गेन करने के लिए आपको 30 इथेरियम आप गेन कर रहे हैं इसमें, तो इतना अमाउंट आप इधर टॉप अप कर दें। एक बार इधर टॉप अप कर दिया, इधर नेक्स्ट स्टेप है, ये लिंक जो दिखाया मैं, ये लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में भी है, ये इसको लिंक को क्लिक करेंगे तो आप उस साइट पे आप पहुंच जाते हैं और आप उसको टॉप अप कर सकते हैं। तो आपको मैं जस्ट बताऊंगा कि लिंक के साथ में, डिस्क्रिप्शन के साथ में आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सॉरी फॉर दिस, अभी ये हुआ लिंक, ये है मेरा लिंक, इधर मैंने क्लिक किया और ये है मेरा मेटामास्क का साइट, इसे बताऊं मैं, ये मेटामास्क है, यहाँ ऑलरेडी डाउनलोडेड है, इसमें ऑलरेडी फंड्स है। तो मैं नीचे जाता हूँ,
क्लिक रजिस्ट्रेशन करता हूँ। ये तो ऑलरेडी मैं क्योंकि लॉग्ड ही नहीं है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो लॉग इन हो जाता है, लेकिन वहाँ पर एक की आती है, जैसे मैं बताऊँ आपको, एग्जिट करता हूँ इधर से, ये देखें ऑटो लॉग इन। यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं ऑटो लॉग इन, तो ये यहाँ का मेटामास का अमाउंट लेता है, देखता है वहाँ पर कित फर्स्ट अमाउंट है, तो आपको फर्स्ट अकाउंट ये जो 0.03 है उधर फंड्स होता है उसको डिडक्ट करके आपको इसमें रजिस्टर कर देता। तो आप जैसे फंड इधर आते हैं, जैसे एग्जांपल बताऊं मैं, सपोज आपके पास यहाँ पर 0.08 है, आपने एक्टिवेट करा दिया, ये मेटामास से क्या करता है वो फंड डिडक्ट करता है 0.03 और आपको इधर अकाउंट में एंट्री दे देता है। फिर आपको अगर नेक्स्ट लेवल एक्टिवेट करना है तो बहुत सिंपल है, इधर ये जो मैंने अभी ऑलरेडी परचेस कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर आएगा बाय, यहाँ बाय आएगा, जैसे आप दिखाऊँ मैं आपको, इधर क्लिक करूँगा ना इधर वन दिखाएगा, देखिए आप क्लिक किया बाय, देख वन दिखा रहा है इधर, इसका मतलब यहाँ पर अगर फंड रहेंगे ये 0.5, आपको सिर्फ करना है यहाँ पर जाके कन्फर्म, यहाँ पर 2.5 दिखा रहा है, लेकिन मुझे 2.5 को एक्टिवेट नहीं करना है, यहाँ आपको दिखाएगा 0.05। तो आप एक बार कन्फर्म करेंगे, जैसे आप कन्फर्म करते हैं तो आपका ये एक्टिव हो जाता है, फिर आपको नेक्स्ट एक्टिवेट करने के लिए सेम करना है बाय, यहाँ पर जाके बाय क्लिक करना है, आपको इधर 0.1 दिखाएगा और आपको सिर्फ कंफर्म करना है। एक बार कंफर्म कर लिया आपने तो आपका लेवल 3 भी खुल जाएगा, फिर आपको सेम करना है लेवल 0.4 पे और फिर करना है वाली इथेरियम। इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको वो फंड्स उधर ला के रखनी है, ताकि एक एक करके आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है और इस तरह से आपके 5 लेवल खुलते हैं और 5 लेवल की अर्निंग आप मिस नहीं करेंगे। तो ये था कुछ इसके बारे में। तो आपको बताऊँ मैं, ये लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको किसी और ने अगर आपको इसमें भेजा है तो आप उसका लिंक मांग के उनसे ये रजिस्टर करवा सकते हैं अपने आप को। तो और इसके आगे अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे पास डिस्क्रिप्शन में मेरे डिटेल्स हैं, यह मेरा ईमेल है, मेरा टेलीग्राम एड्रेस है और मेरा व्हाट्सएप भी है। तो इसको आप जाके उसको इसमें जाके आप मेरे को कॉन्टैक्ट करें, मैं आपको हेल्प करूँगा और इसमें ग्रोथ के लिए मेरे को, मैं इसमें बहुत ही हेल्पफुल इस नज़रिए से कि आपको मैं हेल्प करूं, आपको काम इसमें बहुत आगे तक लेके जा सकता हूं। और आपको फेसबुक पे मैं ऑलवेज अवेलेबल हूं, फेसबुक की डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप कुछ भी आपको चाहिए, आप मुझे आपको कमेंट बॉक्स में आप मैसेज डाल सकते हैं, ताकि मैं उस आपको वो रीड करके आपको हेल्प कर सकता हूँ। फिर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप उसको लाइक शेयर और कमेंट कर सकते हैं इसके नीचे। इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूला नहीं, क्योंकि मैं अच्छी अच्छी वीडियोस मैं इसमें लेके आता हूँ। तो ये रहा कुछ डिटेल्स इस कंपनी के बारे में, इस कोशिश किया है कि इसके आपको पूरा डिटेल इसमें बताऊँ। अगर आपको और कुछ चीज़ चाहिए आप मुझसे चैट में बात कर सकते हैं। अभी वीडियो में बहुत लंबा करना नहीं चाहता हूँ, इसके लिए मैं इसको क्लोज करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, लव यू गाइस, सी यू मेकिंग अ लॉट ऑफ इथेरियम, बहुत सारी इथेरियम बनाएंगे इसमें। मेरा पर्सनल टारगेट 1000 इथेरियम है, मैं चाहता हूँ हर एक बंदा इसमें जुड़ता है उसे कम से कम 500 से 1000 इथेरियम बनाए। तो तब तक थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर, बाय बाय।